कराता हूँ, मैं उमर फारूक हूँ, मैं सीईओ इंटरवुड हूँ, इंटरवुड फर्नीचर की कंपनी है और हम दरवाजे, किचन, डोर, वार्डरोब, ऑफिस और होम बनाते हैं। ये कंपनी 1974 में वॉज फाउंडेड बाय माई फादर। मैं 1995 में इस कंपनी को ज्वाइन किया। उससे पहले मैं थोड़ी आपको प्री हिस्ट्री बता दूँ। मैंने बीएससी किया मैथ्स साइंस इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट कॉलेज से, और फिर मैं चला गया फर्नीचर की डिग्री करने यूके। वहाँ वो 4 साल की डिग्री थी, आता मुझे कुछ नहीं था फर्नीचर के बारे में। मैथ्स साइंस इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और फर्नीचर पढ़ना चला गया, एंड वो भी अजीब लोग थे, मुझे दाखिला दे दिया उन्होंने। सो प्रॉब्ली पैसा चाहिए था उनको, सो दे गॉट मी इन। सो आई गॉट इन इन सो मैं 1991 मैथ्स साइंस इकोनॉमिक्स पढ़ी थी मैंने। 1991 में मैं चला गया पढ़ने बरतानिया, और वहाँ कुछ समझ ना लगे, अंग्रेज़ी कमज़ोर। फर्नीचर की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, किसी भी चीज़ को, टेक्निकल जो चीज़ होती है उसकी ड्राइंग्स होती हैं। सो ड्राइंग्स मुझे आती नहीं थी, मटेरियल्स का मुझे पता नहीं था। सो पहला साल तो बहुत मुश्किल गुजरा, और मैं डॉम में रहना शुरू किया, तो वो डॉम में मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, तो मैं मूव आउट हो गया 6 महीने के बाद डॉम से। सो वो मैं एक दोस्त थे उनकी तरफ चला गया। सो हुआ ये कि इतनी वो जो मेरा डिसीजन था, पता नहीं सही था या गलत था, बट जब मैं उनके पास गया तो वो वहाँ वो सेंट्रल हीटिंग नहीं चलाते थे, तो -10-15 तक जाता था। सो इट वॉज क्वाइट अ स्ट्रगल, क्योंकि उस वक्त मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। कंपनी में आग लगी थी कुछ दिनों पहले, छोटी सी कंपनी थी, और मैं चाहता था कि इतना बोझ ना पड़े। सो वो दूसरा साल भी ऐसे ही गुजर गया, स्ट्रगल करते हुए, ड्राइंग समझते हुए। 1992 and 3, सो 2 साल थे। हाईवे का मैं जगह लंदन के करीब है, ये फर्नीचर टाउन था उस वक्त। उस वक्त बड़ी फर्नीचर इंडस्ट्री उधर थी, क्योंकि लेबर कॉस्ट इतनी ठीक थी, चाइना इतना नहीं आया हुआ था फर्नीचर के अंदर। और बट वो फर्नीचर टाउन, अगर आप हाईवे कम को गूगल करें तो इट इज़ अ फर्नीचर टाउन। यहाँ हिस्ट्री है, गोरों की हिस्ट्री थी सारी फर्नीचर की, तो जो भी डिज़ाइंस थे चिपनडेल वगैरह ये सारे उधर से, पूरी हिस्ट्री है उसके पीछे। तो 1994 में मैं लीड चला गया। इस कोर्स का अच्छी बात जो थी वो इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट थी, जो हमारे एजुकेशन में नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। और उसका नुकसान ये होता है कि आप थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करनी आती। खुद हमारे इंजीनियर्स आते हैं अब तो उनको चीज़ें समझ नहीं आती उस तरह, और क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से काम नहीं किया। इस कोर्स में थोड़ी सी अच्छी ये बात थी कि इसमें वो हाथ से काम करने का तरीका काफ़ी, वो प्रैक्टिकल भी था, थियोरेटिकल भी था। सो दोनों चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत थी, और क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट थी तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए थी। तो फिर 2 साल के बाद मैं लीड्स में चला गया। मेरा आखिरी मैं था जो उसकी प्लेसमेंट हुई। पहले गोरों को प्रेफर करते हैं, कहते बहुत हैं ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है, बट इतनी है नहीं मेरा ख्याल है। सो उस वक्त तक तो नहीं थी। सो अंदर से होता है मसला। 93 में मैं इस कंपनी में गया, इसका नाम था वेट फर्नीचर। ट्रेडिशनल फर्नीचर बनाती थी, और बहुत मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन पुअर थे आई थिंक। और लेकिन उसका फ़ायदा मुझे हुआ कि जो उस वक्त इंटरवुड थी वो एग्जैक्टली वही कंपनी थी, और उनके पास इतनी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो स्पेशल हो इंटरवुड से। प्रॉब्ली इंटरवुड फैक्ट्री थोड़ी सी बेहतर होगी इस वक्त। सो वहाँ मैंने 1 साल काम किया। सुबह 6 बजे मैं पहुँचता था, -7-8 डिग्रीज होता था, और 6 बजे मैंने स्नो में भी लकड़ी बाहर से उठा के काटी, और उसको मेरा वहाँ काम किया था। मेरा काम था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो जो भी नया प्रोडक्ट आता था वो स्टूडेंट्स हायर कर लेते, सस्ता पड़ते थे ना, तो अगर एक नॉर्मल आदमी करें तो वो तो बहुत कॉस्टली पड़ता था। सो स्टूडेंट हायर करके उनसे ये डेवलपमेंट कराते थे, कॉन्सेप्ट डेवलप करके। सो फिर आपको प्रोटोटाइपिंग करनी होती थी।
सो मैं प्रोटोटाइपिंग की एक साल वहाँ, और फिर मैं लकड़ी लाता था, कटिंग लिस्ट खुद बनाता था, सारा कुछ खुद करके ड्राइंग मिल जाती थी, लकीली वो बनानी पड़ती तो शायद ना बना पाता। सो वहाँ फिर मैंने हाथ से काम किया, और साथ मैंने क्रिकेट भी खेली, मैं क्रिकेट में अच्छी खेल लेता। सो लीड्स में मैं ब्रेडफर्ड में मैं लीग क्रिकेट खेली, वहाँ पाकिस्तानी सारे पाकिस्तानी हैं, कोई गोरा नहीं है वहाँ। सो बहुत अच्छा रहा वो, दो तीन महीने मैंने वो खेली, और संडे को भी मैं काम करता था और खेल के फिर मैं चला जाता था, और बिकॉज मेरे पास पैसे होते थे, खुद कमा पैसे देते दे थे, तो वो अच्छा फील होता था, एंड बिकॉज इट वॉज सो ये उस जगह जब मैंने काम किया, तो एक ही साल था जो मैंने अपनी कंपनी के बाहर किसी और कंपनी में काम किया। आई थिंक मेरी सबसे बड़ी लर्निंग उससे हुई थी, वो जो चीज़ मुझे वहाँ से मैंने सीखी थी इस कि नेवर गिव अप, स्ट्रगल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रॉब्ली आज जो मेरा स्ट्रगल ही है मेरी सक्सेस है, जहाँ मैं खड़ा हूँ। सो क्रिकेट खेली, अच्छी खेली, और फिर मेरी डायरेक्टर से भी अच्छी दोस्ती हो गई, तो फिर मैंने एक्सेल में उस वक्त बड़े मैक्रोज लगा लूँ के, अब तो मुझे याद भी कुछ नहीं है, वो लगा लूँ के प्रोग्रामिंग भी उनकी कर दी थी काफ़ी सारी, तो आई हैड गुड कनेक्शन एट द टॉप, और फिर लो लेवल पे भी मेरी सबसे बनती थी। पहले वो कहते थे वो अच्छा, वो मैं गया तो उनका जो लीड्स का एक्सेंट है बड़ा मुश्किल एक्सेंट है, वो समझना आसान नहीं, और जब आप फ्लोर पर जाएँ तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती, यॉर्कशायर का एक्सेंट होता है बड़ा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो दो महीने हम पाकिस्तानी हूँ, हाँ जी समझ आ गई, हाँ जी आ गई, आके तो गलत कर रहे हो, तो वो क्या है भाई क्या कर रहे हो तुम, तो जो आके उसने शिकायत लगा दी बॉस को कि ये क्या बंदा ले आया हो, ये तो उसको तो आता ही नहीं, नलायक आदमी, वैसे था भी नलायक ही। सो तो वो उसने फिर दो महीने में, क्योंकि मेरे अंदर कैपेसिटी एट वर्क वेरी हार्ड, सो आई पुल्ड माई सेल्फ अप, तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी मेहनत की, और फिर वही तीन महीने बाद उसका बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया, इट वॉज वेरी हैप्पी विद मी एंड थिंग्स मूव्ड ऑन। सो दिस वॉज माई थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वॉज उसमें यह था कि यू हैड टू डू अ, फॉर एग्जाम्पल आई डिड अ चेयर, तो उसमें आपको ड्राइंग करके देन यू हैड टू रन अ फर्नीचर कंपनी, और उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट और एवरी थिंग, so if you had to run your own business, so I did that। उसमें मैंने डिसाइड किया, पागल था, ऑटो कैड पर करूँगा ड्राॅइंग, पहले साल में बिल्कुल नहीं आती थी, अब ऑटो कैड पर जाके ड्राॅइंग करूँगा, मेरे अलावा किसी ने ऑटो कैड पर कोशिश नहीं की उसको प्रजेंट करने की, उस वक्त ऑटो कैड ही होती थी। सो आई मेड दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, फिर मैं टीचर्स के पीछे पाया, दस दस घंटे बैठा हूँ कंप्यूटर पर और ऑटो कैड सीख रहा हूँ, और मैंने ये सोचा था कि अगर मैंने आज ये सीख ली, मैं कभी भी कारोबार में जाके ये फिर नहीं एफर्ट कर पाऊँगा, दैट वॉज माई थिंकिंग एट दैट टाइम। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, कनेक्टिंग यू, कि ये चीज़ें जब आप एजुकेशन में आप करते हैं और आप उसका फ़ायदा नहीं लेते आके जाके, तो उसका उस एजुकेशन को कोई रिलेशन नहीं है इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। सो मैंने वो सीखी अपना वीक एरिया, जो मेरा फर्स्ट ईयर में था वो वीक एरिया मैंने कवर किया, और मैंने कहा कि आज मैं सीख लूँ वरना ये मेरे गले पड़ जाएगी ड्राइंग्स, और फिर मैंने ऑटो कैड में, आई वाज द ओनली गाय हु प्रेजेंटेड इन ऑटो कैड, और बाकियों ने हाथ से बना के दी थी, तो बिकॉज आई थॉट कि टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ नहीं है, दुनिया आगे चलेगी नहीं, उस वक्त ईमेल इंटरनेट भी इतना नहीं था, बातें हो रही थी और यू आर नॉट अवेयर ऑफ इंटरनेट, तो मैं फ़ोन बूथ पे, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे फ़ोन आता था तो आई वुड हैव टू वेट अबाउट 15 मिनट, टाइम रखा होता था कि पता नहीं वो कैसे टाइम रखता था, क्योंकि वो सेल फ़ोन तो होते नहीं थे उस वक्त, तो टाइम रखते थे कि वो वालदैन मुझे वो जो फ़ोन बूथ होता है उसमें मैं वेट करता था 5-10 मिनट। सो वो दे यूज़ टू कॉल मी फ्रॉम पाकिस्तान, उस वक्त मेरा ख्याल है कॉल्स भी काफ़ी महंगी होती थी। सो ये मेरी 4 साल की स्टोरी थी उधर, एंड देन आई गॉट थर्ड अवार्ड, उसमें भी गोरों ने कुछ चीटिंग कर दी मेरे साथ, डजंट मैटर, बट वो गोरा जिसने मेरे नंबर मुझको चेंज किए या डाउनग्रेड किया, आज मुझसे 2-3 साल पहले आप देखें अल्लाह का करना नौकरी मांग रहा था। तो
तो मेरे फादर ने कहा मैं बात करूँ, मैंने कहा नहीं बात करने की क्या उस एट दैट टाइम, तो मैंने कहा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या क्या फ़ायदा होता है। सो एनीवे वो गोरा था और जर्मन उसका खून था, जर्मन वैसे ही बहुत उनके अंदर प्राइड होती है काम करने में, वो समझते हैं कि जब वो काम करते हैं तो बस नेक्स्ट लेवल का काम होता है। सो हेयर आई कम इन 95, ज्वाइन माय फैमिली बिजनेस, मेरे फादर ने शुरू किया था, छोटी सी फैक्ट्री थी, हालांकि 15-20 हज़ार स्क्वायर फुट की फैक्ट्री थी, उसमें छोटा सा एरिया था और उसके अंदर हम दरवाजे कॉन्ट्रैक्चुअल फर्नीचर बनाते थे। सो कॉन्ट्रैक्चुअल फर्नीचर में होता ये कि वो जब आपके पास ठेका आता है ना, वो आता है कोई 4-5 महीने फिर आप फारिग बैठ गए। सो भी उसमें फिर ये नुकसान होते हैं कि यू नो आप ग्रोथ नहीं करते। और फिर आई वॉज मेड टू रिपोर्ट टू सम गाय हु वॉज कारपेंटर व्हेन आई स्टडीड, एंड मैं उसको रिपोर्ट किया 5 साल, जो कि उसने बिल्कुल बेड़ा गरक किया मेरे वो 5 साल और तबाह कर दिए। बट उससे भी लर्निंग ये है कि यू नेवर गिव अप। अगर मैं गिव अप करके मैं जा रहा हूँ जी जाके मैं अपना काम शुरू करता हूँ, मैंने कहा नहीं जी इधर ही करते हैं। और फिर मैं फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी शो करता हूँ इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू एवर यू आर डूइंग वर्क विद कोलीग्स और टीम, आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो, इवन आपको पता है कि गलत कह रहा है, सो फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो करनी पड़ती है। एंड जो कहते हैं मेरे बारे में कि आई एम नॉट फ्लेक्सिबल, बट आई थिंक जितना फ्लेक्सिबिलिटी मैं देता हूँ ना वर्क ऑर्गेनाइजिंग, आई एम टफ बिकॉज आई मैं अपने लिए भी बहुत टफ हूँ। आई स्टार्ट माई डे वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock एंड देन आई गो टू जिम एट 6 o'clock, सो आई एक्सपेक्ट कि वो भी उसी डिसिप्लिन पे काम करेंगे। वन थिंग आई डोंट लाइक इज इनडिसिप्लिन पीपल। सो वो एनीवे मेरे साथ काम भी वैसे थोड़े से इनडिसिप्लिन लोग भी कभी करते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बट ये फिर आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि यार ये वाकई इज इट प्लस माइनस देखना होता है ना, प्लस अगर इफ इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवरीबडी देन यू हैव टू लेट दिस थिंग गो। सो 2002 तक वो साहब रहे हमारे साथ और फिर वो चले गए समहाउ। फिर हमने कहा कि यार ये तो इस तरह कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केट में हमें और भी देखना पड़ेंगे एवेन्यूज, तो हमने रिटेल को बिल्डअप करना शुरू कर दिया। तो जब रिटेल को पहले हमारा एक छोटा सा स्टोर होता था फिर इन पेस के बैक साइड में, तो वो उस स्टोर को हमने फिर रिवैम्प किया और उसमें हमने नए प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स लाने शुरू किए। इंटरवुड का एक ये भी बड़ा है ना कि महंगे बहुत हैं, महंगे इज़ अ सिनेरियो दैट इज़ क्रिएटेड बाय ourselves also or and also the market, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप सही काम करते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है। आप गलत स्पेक की चीज़ लगा दें, आप गलत चीज़ें लगा दें तो वो आप कॉस्ट को आधी कर सकते हैं। कल ही एक साहब आए थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं किसी बड़े बड़े गवर्नमेंट के काम करते हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि आपने एक में कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा हो गए एक में कम हो गई, क्या वजह हुई? मैंने कहा यार देखें हम चीटिंग नहीं करते, जो उसमें हमारी बिड लोअर भी इस वजह से आई कि हमने कोई रेट तो नहीं कमाए, वो उसने गलत कोट किया था तो आज वो भी फंस गया होगा और बैंकक्रप्ट हो गया होगा। सो वो हुआ उसके साथ। और अगर आप देखें कि 20 साल में अगर आप इंटरवुड का फिनोमेनन देखें, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ आती हैं और 10 साल में वो उनका लाइफ साइकिल 10 साल है। होता क्या है कि वो ग्रो करती हैं एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं, मार्केट में है कोई नहीं और फिर वो यहाँ पहुँचती हैं, उनको फिर पता नहीं लगता कि फाइनेंसिंग कैसे करनी है, टेक्नोलॉजी कैसे लगानी है, एचआर कैसे लगानी है। तीन चीज़ें जी इनको पल्ले पढ़ा लें, फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी एचआर। सो इफ़ यू आर एबल टू इनोवेट दीज थ्री आपने गेम चेंज कर दी, मेरे 22 साल के तजर्बे में तो ऐसे। सो वो उनको समझ नहीं आती। एंड होता क्या है कि वो पॉकेट करते हैं पैसे अपने जो अर्न भी करते हैं वो वापस निकाल कर अपनी जेबों में भर लेते हैं, विच डज नॉट वर्क। आई थिंक आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए अपने बिजनेस में, और यही हमारे बड़े बड़े लोगों ने ऐसे किया और वो अपॉर्चुनिटी ही लूज कर दी बाय नॉट री इन्वेस्टिंग। एंड
using malpractices or bad practices, I think. So, agar wo investment aur wo technology aaj unhone lagayi hoti, to aaj Pakistan mein bahut badi badi industry hoti. Aur jinhone lagayi hai, unke paas bahut kaam hai. Interwood bhi ke paas alhamdulillah bahut kaam hai. Despite being all the challenges we face, but is wajah se hai kyunki hum sahi kaam karte hain aur humne technology aur innovation aur in sare challenges ko address kar rahe hain continuously aur most modern machines lagayi hain. Ab baakiyon mein agar aap textile mein dekhe even to aap usko comparison karenge to textile walon ne koi automation ki nahi. Garments ki industry ke specific example deta hu to unki automation restricted hai. Phir jab aap China se compete karenge to wo unhone automation ki hogi, unke man hours aap se bahut kam honge. To jab man hours aapke kam ho, basic labor costs are higher, wo overhead cost aapki kam ho jati. So man hours are related to directly to the overhead. So this is what we don't understand ki 1 rupaye ka jo hai uske upar 4 rupaye overhead bhi pad hota hai or whatever. So, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो अगर आप टेक्नोलॉजी वही पांच गुना आप कर दें प्रोडक्शन उसको उसी रिसोर्स से, तो आप ओवरहेड को 1 रुपए पे ले आएंगे. वो आती है आपकी एफिशिएंसी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न व्हेन यू आर रनिंग योर बिजनेसेस, हाउ यू गोइंग टू क्रिएट एफिशिएंसी. एंड इफ यू आर क्रिएटिंग एफिशिएंसी एट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस, यू विल बी अ विनर. नोबडी कैन स्टॉप यू. The catch is ki how and when you will do it. Sometimes ab to digital world hai, isme to aap wait kar hi nahi sakte na. You have to just keep on going. Agar aapne ruke to aap gaye, you are dead. So isme aapko itni disruption hai technology ki and all that. Ab to social media ne itna disrupt kar diye ki maine ek apna chota sa page banaya aisi trial ke liye. Maine kaha Interwood ka page to chalta nahi, chalo apna page chalate hain. So ऐसा ही हुआ. एंड आई ये लड़का है मेरे साथ शाहदेव, मेरा कोलीग है, ही इज रनिंग दिस पेज. ही सेड सो वो एक महीना पहले मैंने उस पेज को चलाना शुरू किया तो यू नो कैन यू बिलीव 1.2 मिलियन व्यूअर्स हैं उसके, जो व्यूअरशिप हुई है इन जस्ट अ मंथ. एंड 1 लाख लोगों ने इंगेज हुए हैं उसके अंदर. और मैं तो मर जाता, ये कभी नहीं कर सकता था. एंड जो so what I wanted to achieve is to tell people ke that's what we are. I didn't want to sell anything. Ab to khair inhone sale bhi campaigns lagayi hain mere us pe page pe jo ke main hi run karta, but I give the idea, but just to check ke yaar ye kaise, how it works, not that I want to make sales from my page. To awareness create karne ka zyada hai ki yaar logon ko pata lage it's a cost effective solution. ye cheeze hain, itni keemat pe hain, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज लें. और यही हमने किया है. हमने पहले जो दरवाजा 80,000 रुपए में मिलता था, आज वो शायद 50,000 रुपए में मिलता है. रॉ मटेरियल कॉस्ट हैव गॉन अप बाय 15-20 टाइम्स व्हेन आई जॉइन द कंपनी. सो ये है जब आप करते हैं, टेक्नोलॉजी लगाते हैं, इनोवेशन करते हैं, मटीरियल्स में रिसर्च करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू डू इट. सो जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, हम एक यूवी लाइन है, पॉलिश करती है दरवाजे को. एंड यूवी, व्हाट यूवी डज इज इट्स इंस्टेंट क्योरिंग. यूवी लैंप्स जो कन्वेंशनल स्प्रेइंग मेथड्स हैं उसमें आपको एटलीस्ट 6 से 10 घंटे वेट करना पड़ता है फॉर टू रीकोट, और 2 आवर्स में भी. एंड फाइनल पैकेजिंग इट टेक्स, दिस इज इंस्टेंट ड्राइंग क्योर रेडी टू पैक. एंड देन इट गिव्स यू स्क्रैचलेस काइंड ऑफ फिनिश. स्क्रैचलेस तो कोई चीज़ नहीं होती, बट यू नो काफ़ी रेजिस्टेंस आ जाती है. और मटेरियल की सेविंग देखें, 20 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर ऑन दिस वन कोट एंड अगेंस्ट स्प्रे वेयर इज 120 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज 6 टाइम्स सेविंग. एंड थ्रूपुट इज लाइक 8-10 मीटर्स पर मिनट, जो कि अभी आप जो भी चाहें. तो आप देखें कि वो ओवरहेड कैसे नीचे आया, क्या इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी, वो तो साल में पूरी हो जाएगी. साल में 6 महीने लगेंगे अगर हम वो मशीन चलाने में कामयाब हो जाएं, जो कि हमारे लोग फिर जरा थोड़ा जो भी कहीं भी दुनिया में रेजिस्ट करते हैं चेंज को, और वो फिर कहते हैं यार ये काफ़ी मुश्किल आ जाती हैं. सो एक नेस्टिंग मशीन है जिससे हमने डिस्टरप्ट किया था. ऑटोमेशन की चेंज ऐसे है कि जब मैं आया था तो एक दरवाज़ा 30 डेज में बनाते थे. सो नाउ वी कैन डू 300 डोर्स अ डे.
300. This is the level of change. So ye hai, then 2002 and 2012 mein humne 10 mein retail ko build up karna shuru kiya. Ab retail ko kis tarah build kiya? उसको ठीक नहीं करते आप रिटेल नहीं चला सकते और अगर आपने आरएनडी में इनोवेशन नहीं क्रिएट की इनोवेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने उस मार्केट के लिहाज से चीजें डेवलप करनी है और जिसको मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं सेगमेंट को दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू मेक देम मोर कॉस्ट इफेक्टिव सो नॉर्मल कंज्यूमर कैन यूज अब वो मार्केट नीश हैं ऊपर की हाई एंड मार्केट्स हैं बट वी आर नॉट इन देयर जो कंपनियां ग्रो करेंगी ना वो वॉल्यूम्स पे ग्रो कर रही हैं Amazon आज वॉल्यूम पे ग्रो करता है जितनी भी टेक कंपनियां आप देख लें वॉल्यूम्स पे है Facebook Google सारी ये ऐसे ही चल रहे हैं सो आप गेम तो एक एक रुपए की नहीं रह गई वो ठीक है वो रहेगा वो भी बिजनेस रहेगा वो छोटे लेवल पे रहेगा एंड देन ही इट विल डिसअपीयर आई थिंक बट आपको अगर काम करना है तो उसको सलीके से दिमाग में सोचें क्या करना है और उसको उस तरह करें सो रिटेल पे आया फिर प्रोडक्ट आरएनडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास 15-20 पीपल वर्क इन प्रोडक्ट आरएनडी बिकॉज हमारे 6-5 प्रोडक्ट लाइन्स हैं मेन तो उनकी हर एक की आरएनडी डिफरेंट है सो देयर आर 6 डिफरेंट फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड 6 डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स इन द वर्ल्ड नोबडी डज एक्सेप्ट आईकिया वो प्रोडक्शन नहीं करता और वो डोर भी नहीं प्रोड्यूस करता हम हर टाइप के डोर हर मटेरियल में डोर बनाते हैं हम हर किचन हर मटेरियल में बनाते हैं जो किचन आई कैन अश्योर यू इटालियन स्टैंडर्ड पे हम शायद उनसे बेहतर बनाते हैं ठीक है सो एंड 1/10 द प्राइस मे बी इन द वेरी हाई एंड दे आर अहेड ऑफ अस बिकॉज देयर आरएनडी इज बेटर देन अस बट आई डोंट थिंक सो दैट इज आल्सो बिकॉज वी नो 20 इयर्स आई हैव बीन स्ट्रगलिंग टू जस्ट स्टडी मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी दैट्स माई कोर स्ट्रेंथ सो कारोबार तो जो हुआ वो तो मैंने एफर्ट किया बट यू नो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत चैलेंज भी आता है सो वी बिल्ट अप दिस रिटेल आउटलेट्स अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 हमारी रिटेल आउटलेट बड़ी होती है सो 13-14 है अभी प्रेजेंस नाउ वी वर्किंग ऑन ई कॉमर्स बिकॉज हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आया उसके बाद करने का सप्लाई चेन बैठ गई प्रोडक्शन का बैकअप नहीं था सो ऐसे दुनिया में एक बहुत कम कंपनियाँ होती जो इंडस्ट्री भी चला रही है और रिटेल फ्रंट एंड और पूरी डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही पकड़ी हुई है बिकॉज ये वेयर हाउसिंग भी हमारे पास है तो टोटल सप्लाई चेन हमारे कंट्रोल में है इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अगर हम शायद इसको डिसेंट्रलाइज करते तो वी वुड हैव नॉट वर्क उसके इसीलिए चैलेंजेस ग्रोथ स्लो हुई जो भी हुआ बट आज हमारे अपने वेयर हाउसेज हैं हमारे कंट्रोल में हमारी क्वालिटी हमारे कंट्रोल में है इवन हमारी मेटल शॉप जो हमें वो शुरू मेंटेनेंस से हुई थी आज हमारी मेटल शॉप इज क्वाइट रीजनेबल मतलब लोगों की बड़ी बड़ी मेटल शॉप्स होती हैं जो मेटल खाली बनाते हैं हमारी शायद उससे भी बेहतर हो सो एंड अपोस्टी में हम वी डू अबाउट 3 साल पहले अपोस्टी जो थी वॉज डेड हॉर्स फॉर अस सो मैंने 3 साल पहले चैलेंज ये पकड़ लिया कि भाई ये जो भी होगा मैंने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाना है ये 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ और मैंने फिर उसकी चाइना जाके फैक्ट्रियाँ देखी जहाँ मर्जी जाके फैक्ट्री फिर उसको मैंने इनोवेट किया पाकिस्तान की मार्केट की डिमांड से अल्हम्दुलिल्लाह और फिर मैंने स्किल डेवलपमेंट पे काम किया मैंने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज खुद लिखवाए और उनको रन किया उनकी खुद एवेल्यूएशन की दिस इज द लेवल आई वेंट टू And alhamdulillah, today we can produce 600 sofa seats a day. So that is what you do. If you have the courage this is your mindset, your ability to believe in yourself. So agar aap mein ye ability hai aur aap mein ye courage hai, to roadblocks bahut aate hain. Aaj bhi roadblock khade hain bahut sare, challenges bahut hain. बट आप उसे घबरा जाएं तो फिर ख़त्म हो जाएंगे सो ये है फिर अब 2019 में 3 साल पहले हमने टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 2019 में हमने 3 साल के अंदर हमने पूरी 360 डिग्री पे कंपनी को चेंज कर दी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री
क्योंकि हम बहुत सारा माल इंपोर्ट करने लग गए थे अबाउट 30% बिकॉज हमारी फैक्ट्री बैठ गई थी टू मीट द डिमांड ऑफ द मार्केट. अच्छा वो मुझे पता लग गया आइडिया हो गया तो मुझे सारे हंसे कि तू क्यों लगा इंडस्ट्री लगाने में, पीछे लगा रहा. मैंने पूरी जो है ना अपना वो रिस्ट्रक्चर किया, पूरा रिवैम्प कर दिया 3 साल में एंड ब्रॉट इन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी. अच्छा उस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए देयर इज 18 इयर्स बिहाइंड. उसमें फिर मैंने इटालियन चाइनीज मशीनें भी मिक्स की हैं. अब ये आपका फन होता है कि आपने देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपको कहाँ वर्क करेगी. फॉर एग्जाम्पल CNC पे मैं कभी चाइनीज मशीन नहीं लाया. खैर मैंने आई हैव डिजाइंड अ प्लांट टू केटर फॉर ऑल दी 6 प्रोडक्ट लाइन्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स, जिसमें PVC है, सॉलिड वुड है, लेमिनेट्स हैं, अपोस्ट्री है, मेटल है एंड विनियर्स हैं. सो ये 6-7 टाइप विनियर्स हैं. ये अलग-अलग फैक्ट्री होती है हर मटेरियल को, और इवन प्रोडक्ट वाइज भी अलग-अलग फैक्ट्रियाँ होती हैं. और अगर वो लगा भी रहा है ना तो वो आउटसोर्स करेगा, कहीं से ये चीज़ लेगा, वो खुद उसकी लाइन लगाने नहीं लग पड़ेगा पागलों की तरह हमारे. बट हम ये नहीं कर सकते, हमें अनफॉर्चुनेटली सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है क्योंकि मार्केट डिमांड कहती है कि यार इसको हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. अभी भी कुछ पेज पे मेरे कमेंट्स आते हैं कि यार ये आप उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते. बट सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं हमें प्रोडक्शन में, जो हम इतनी वैरायटी, जिस तरह हम ऑफिस में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, किचन डोर वार्डरोब में भी देते हैं, लेकिन होम में नहीं देते. होम इज ऑफ द शेल्फ, यू गो एंड बाय एंड दैट्स इट. वो प्रोडक्शन लाइन है, वो उसको एक को बनाने में हमारी ड्राइंग्स ही 50,000 रुपये कॉस्ट करेंगे एक प्रोटोटाइप को बनाने के लिए. सो वो इट्स नॉट वायबल इनफ फॉर अस टू प्रोड्यूस दैट. बट बाकी टेक्नोलॉजी किचन वो हमने क्योंकि कैट कैम टेक्नोलॉजी लगाई है, सॉफ्टवेयर है लिंक विद द मशीन्स, तो वो उस लिहाज से वो सारी मतलब इट्स इंटीग्रेटेड, तो उसमें कोई वन ऑफ को वो हैंडल कर लेते हैं. और जो अभी हमारी नेस्टिंग मशीन है नहीं, उसमें हमने जो वो क्या करती है, आप एक शीट डालें, कट करती है और उसको मशीन कर देती है. ये प्रोसेस पहले 4 मशीनों पे उसी पे होता था. सो वो हमने कट करके एक पे, और मुझे आपको यकीन से कह सकता हूँ 2 साल लग गए उस मशीन को सही चला चलवाते हुए. आई हैड टू रन अराउंड हेयर एंड देयर डिस्पाइट ऑल द पीपल वी हैड. They did not understand. It was a very very simple machine. Tooling नहीं समझ लगी कि tool कैसे करना है. और tooling is a very important subject also. जब आप industry में, अगर आप industrial, so वो सारा जाके समझा, फिर उसको ठीक किया. और can you believe कि वो जो output थी after understanding 3 times बढ़ गई. इसका मतलब है कि 3 मशीनें आपने बचा ली, 9-10 crore रुपए की investment बचा ली आपने. So this is what you know when you are working, you have to understand where, how you create efficiency, how you address a certain problem, and this is called innovation. And you know you address it in a way that is related to you. अब हमें गोरे की किताबें पढ़ा देते हैं, कल्चर तुम्हारा डिफरेंट है, हमने हर चीज में तो झूठ बोलना है, ठीक है, तो आप कैसी मैनेजमेंट करेंगे उसके लिए. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. कुरान में तो वैसे सबसे ज़्यादा झूठ के बारे में, मौलवी कभी नहीं जिक्र करता झूठ के बारे में कि भाई ये ना बोलो. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि जब तक हम ऑनेस्टी नहीं लाएंगे ना अपने कारोबार में, इसीलिए हमारे स्केल अप नहीं होते और शायद एवेंचुअली वी डाई डाउन बिकॉज ऑफ दिस. सो एक तो सही काम करना चाहिए आई थिंक, एंड ऑनेस्टी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं, डिसिप्लिन, हार्डवर्क. सो मेरा जो रूटीन है, सुबह मैं जाता हूँ तकरीबन फैक्ट्री पहुँचता हूँ 8:30, देन आई लीव अराउंड 6:30. इट्स वेरी डिसिप्लिन, आई गो टू स्लीप एट 9:00. सो दिस इज नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि ये डिसिप्लिन है जो लाइफ में आपको एक स्पेशल चीज़, बिकॉज अगर आप अर्ली उठे ना तो आपका दिमाग, आई थिंक माई माइंड वर्क्स वेरी वेल. सो तो वो वैसे भी है इस्लाम में भी है कि जल्दी शुरू करें तो आई थिंक, एंड इट्स वेरी प्रोडक्टिव दैट टाइम. सो जो आपके चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करें. प्रॉब्लम को अगर आप हल नहीं करते, उनको अंडर द कारपेट डालते हैं, वो प्रॉब्लम आपको मैग्नीट्यूड होकर नज़र आती है. उसको
normally we keep on going in circles aur wo problem nahi hal hoti aur phir wo aap it is your wahi aapka destruction aur agar aap problem ko hal karte jayenge to aap upar jate jayenge problem to hain problem to bahut sari hain aaj kuch problem hai is mulk mein external factors bhi bahut zyada hain aur bahut sari cheeze kaam karti hain so you have to be very strong to resolve internal to apni hai hi hai external bhi hai तो उसकी वजह से आप चैलेंज हो जाते हैं जैसे डॉलर डिवैल्यूएशन इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स अनरीजनेबली तौर पे बढ़ा दिए अब एक नॉर्मल छोटा काम करने वाला उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है तो देन यू हैव टू रियली कम अप विद अ स्ट्रेटजी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब तक आप अपना क्लियर विजन नहीं करेंगे एफिशिएंसी नहीं लाएंगे हमारा होता बंदा रख लो एक और बंदा रख लो उसके ऊपर फिर वो इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये किया हुआ सो फिर हमने एसएपी इंप्लीमेंट किया कि हम एफिशिएंसी लाएं एसएपी इज द मोस्ट डिफिकल्ट ईआरपी सिस्टम इन द वर्ल्ड टू इंप्लीमेंट और प्रॉब्लम पता है क्या है ये सब कहते हैं ईआरपी चला लोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा कुछ नहीं होता ये बकवास है और एसएपी के अंदर बग्स हैं एसएपी के मॉड्यूल के अंदर बग्स हमने पकड़ लिया सो व्हाट डू यू डू देन It's just a framework that gives you control over things and to add kar deta hai bas ek basic cheez hai aur uske upar aap jitne analysis dene aur game sari analysis analytics ki hai jo hamare education system mein bilkul absent ho gayi hai iska hum bachcho ko ratta lagwa dete hain phir hum expect karte hain ki wo learn karenge aur wo aake kya karenge pata nahi kya karenge तो सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की सख्त ज़रूरत है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता सारा आई वॉश है आप ये एजुकेशन फर्नीचर पे बिलियंस ऑफ रुपीस रखते हैं वो फर्नीचर पहुंचते ही नहीं है वो हर साल बिलियंस ऑफ रुपीस का बजट आता है वो पता नहीं किधर जाता है फर्नीचर वो ख़राब हो जाता है या टूट जाता है तो अगर आपका ये हाल होगा तो आप कैसे तरक्की करेंगे मुझे तो समझ नहीं आती अगर आप अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक करेंगे और जब आप यकीन करें इंजीनियर्स आते हैं उनको काम नहीं आता वो सीखते हैं ना अनलर्न करना चाहते हैं जो गलत मलत सीख के आते हैं अनलर्निंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग और क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब करती है आपको तो आपको हर वक्त अनलर्न करनी चाहिए चीज़ और मूव ऑन विद अ न्यू थिंग एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिकॉज जब तक आप मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते ना तो आई थिंक यू विल नेवर बी एबल टू रिजॉल्व दैट इशू और हम जो है ना वो ज़ात पे लेके उसको छुपाते हैं मैं भी करता हूँ अच्छा यार वो तो इसने किया था उस पर डाल दिया ख़त्म स्टोरी एंड यू नो इट्स डेड एंड सो एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड यू नो फिक्स दोज मिस्टेक्स बिकॉज इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एज अ नेशन वी हैव दिस इशू आई थिंक यू विल नेवर बी एबल टू मूव अहेड एंड यू विल बी गोइंग इन सर्कल्स सो and blame game individuals because also our taaleem jo hai usme ye hum individual banati hai humko team work to karna nahi sikhati so if you sit together japani kya karte hain brainstorm karte hain unke workers se idea upar aate hain interwood mein aaj koi idea worker se nahi aaya unfortunately aaj agar wo sara udhar se aana shuru ho jaye idea to kya game change ho jaye बट हमने शायद कोशिश भी नहीं की लोग हमारे समझते भी नहीं हैं और हमारे जो एचआर कम्युनिटी है उनको शायद इन चीज़ों की इतनी डेप्थ में नॉलेज भी नहीं है ना वो समझना चाहते हैं और बिजनेस वाले का बहुत गैप है एचआर से सो जब तक आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम नहीं करते आपने स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं करते आप अपनी कॉम्पिटेंसी नहीं बनाते लोगों की आप कभी तरक्की नहीं कर सकते आई थिंक वो कंपनियाँ डन हो जाती हैं जो ये इस इन चीज़ों में मैं बात करूँगा हाँ वो ख़त्म है इट्स दे आर गोइंग टू बी डाई ऑफ अगर वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन उनको समझ नहीं आती कैसे इम्प्लीमेंट करना